इस वीडियो में मैं आपको रेगुलेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। कुछ भी ये सब काट देना, ठीक है? शुरू का काट देगा ना, शुरू का काट देना, नहीं हो पाया बता देना ना। जब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने रेगुलेशन नंबर 3 डिस्कस किया था, जो कि नोटिस ऑफ ओपनिंग था, जो कि नोटिस ऑफ ओपनिंग था। आप आई बटन दबा के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, रेगुलेशन नंबर 4, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये देखिए। तो एनुअल रिटर्न कब दिया जाता है? साल में एक बार दिया जाता है प्रीसीडिंग ईयर का। मान लीजिए इस साल दे रहा हूँ तो पिछले साल का मैं एनुअल रिटर्न बताऊँगा, ठीक है? तो ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फेबररी इन एवरी ईयर, ये याद रखिएगा। CMR 1957 में ये 20 फेबररी था, लेकिन CMR 2017 में क्या किया गया है, इसका डेट बदल के 1 फरवरी कर दिया गया है। तो हर साल 1 फरवरी को हम क्या देंगे, एनुअल रिटर्न का, एनुअल रिटर्न देंगे प्रीसीडिंग ईयर्स का। ये याद रखिएगा, प्रीसीडिंग ईयर का दिया जाता है ना। कौन देगा भाई? कोई तो देगा ना, तो किसी का तो जिम्मेदारी रहेगा। तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ये तीनों में से कोई भी क्या करेगा, 1 फरवरी को एनुअल रिटर्न देगा। किसको देगा? टू द चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, तीन जन को देगा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये हर साल 1 फरवरी को एनुअल रिटर्न देगा। कौन देगा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ठीक है, पिछले साल का। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन द फॉर्म एंड मेथड एज स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस। यहाँ फॉर्म नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि जब ये रेगुलेशन बना था उस समय फॉर्म गवर्नमेंट ने क्या कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ना बनाता है CMR, तो वो क्या कहा था, चीफ इंस्पेक्टर जिस फॉर्म में बोलेगा उस फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। तो चीफ इंस्पेक्टर ने बाद में अपने DGMS के में साइट में अपलोड किया ऑफिशियल गैजेट में कि फॉर्म कौन सा लगेगा। तो नोटिस ऑफ ओपनिंग का मैंने बताया था फॉर्म 4A, लेकिन देखिए एनुअल रिटर्न में फॉर्म 3। एनुअल रिटर्न में किस फॉर्म में भरा जाता है? फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न दिया जाता है। ठीक, तो क्या क्या क्वेश्चन बना, कब दिया जाएगा? तो 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर को दिया जाएगा। कौन देगा? ऑनर, एजेंट या मैनेजर में से कोई भी देगा। ऑनर, एजेंट या मैनेजर में से कोई देगा। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन तीनों को देगा, ठीक है। किस फॉर्म में देगा? फॉर्म 3 में देगा। अच्छा, 1957 में पिछले में रेगुलेशन में भी फॉर्म 3 ही था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए माइंस, ज़रूरी तो नहीं है कि फेबररी में ही बंद हो, वो तो कभी भी बीच में बंद हो सकता है। तो अगर माइंस, इफ़ अ माइन इज़ अबंडेंट क्लोज और वर्क देयर ऑफ इज डिसकंटिन्यूड, ठीक है, अगर माइंस अबंडेंट हो जाता है या क्लोज हो जाता है, या तो 60 दिन से ज़्यादा के लिए बंद होता है, डिसकंटिन्यूड ओवर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, और चेंज इन ऑनरशिप होता है, माइंस का ऑनर चेंज हो जाता है, तो रिटर्न देखिए कब भरा जाता है। तो अगर अबंडेंट और क्लोज के केस में क्या होगा, ये अबंडेंट और क्लोज का केस जो है, अबंडेंट और क्लोज का केस है ना जो, उसमें अलग होगा। अबंडेंट और क्लोज का केस में, अबंडेंट और क्लोज के केस में क्या होगा, 30 दिन के अंदर सज अबंडेंटमेंट और क्लोजर और चेंज ऑफ ऑनरशिप। अगर अबंडेंट हो रहा है, क्लोज हो रहा है और चेंज इन ऑनरशिप हो रहा है, तो उसमें 30 दिन के अंदर हम बंद होने के 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजेंगे। तो क्या क्या केस है, अबंडेंट, और एक केस आ गया डिस्क्लोज़र का। डिस्क्लोज़र का अगर केस आता है, देखिए एक को आ गया डिसकंटिन्यू का। डिसकंटिन्यू अगर 60 दिन से ज़्यादा डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो फिर क्या होगा, विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस, ठीक। तो क्या क्या मिला हमें, अबंडेंट और क्लोज के केस में बंद होने के 30 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजेंगे, और डिसकंटिन्यू होने के केस में अगर 60 दिन से ज़्यादा के लिए डिसकंटिन्यू होता है, तो 60 + 30, वहाँ क्या बोला, सिर्फ 30, लेकिन यहाँ 60 दिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक। डिसकंटिन्यू होने के 60 दिन तक इंतज़ार किया, फिर उसके 30 दिन के अंदर, मतलब 60 + 30, 90 डेज के अंदर हम क्या भेजेंगे, एनुअल रिटर्न भेजेंगे डिसकंटिन्यू के केस में, और अबंडेंट और क्लोज और चेंज ऑफ ऑनरशिप के केस में अपन भेजेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। तो इसको हम शॉर्ट में फिर से रिव्यू करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा कि कब भेजेंगे, तो 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर, ठीक। किसे भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। और कौन भेजेगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर में से कोई भी भेजेगा। किस फॉर्म में भेजेगा, तो ये फॉर्म 3 में भेजेगा, फॉर्म 3 में भेजेगा। ये हो गया,
ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या हुआ, अगर अबंडेंट और क्लोज हो रहा है तो अबंडेंट और क्लोज होने के 30 दिन के अंदर भेजेंगे, और या चेंज ऑफ ऑनरशिप हो रहा है तो, और अगर डिसकंटिन्यू हुआ है तो डिसकंटिन्यू होने के 30-90 दिन के अंदर भेजेंगे हम एनुअल रिटर्न। ये क्वेश्चन मुझे कोल इंडिया के इंटरव्यू में पूछा गया था। अगर आप सब कुछ आंसर अच्छा अच्छा दे रहे हैं तो वो CMR में ही आते हैं। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि एनुअल रिटर्न किसे भेजते हैं, और उस समय मैं CMR पढ़ के गया नहीं था और ये आंसर मैं नहीं दे पाया था। तो एनुअल रिटर्न किसे भेजते हैं, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। ठीक है, ये है अपना रेगुलेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 5।